हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐप सजेशन बार सेटिंग को आपने इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐप सजेशन बार सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐप सजेशन बार। ऐप सजेशन बार इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इसे आपको टैप करके इसे ऑन करना है, यानी कि सेटिंग को इनेबल करना है, ठीक है। इस सेटिंग को ऑन करने से पहले मैं आपको ना कुछ बातें यहां पे बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको इस सेटिंग को ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने मोबाइल फोन में होम स्क्रीन पर अगर आप नीचे से ऊपर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो है ना ऐप ड्रॉअर ओपन होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए सर्च बार के नीचे आपको ऐप्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सर्च बार के नीचे ऐप दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे आप सर्च बार के नीचे देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, तो यहां पे रिकमेंडेड ऐप्स यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा जब हम ऐप सजेशन बार सेटिंग को ऑन करेंगे, ठीक है। अब हम इस सेटिंग को ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्लू कलर में बटन ऑन हो जाएगा, यानी कि सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी इनेबल होने के बाद, ये मैं आपको दिखाता हूं। आपको उसी पेज में वापस जाना है ऐप ड्रॉअर में, ठीक है। तो देखिए सर्च बार के नीचे आपको रेकमेंडेड ऐप्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। रेकमेंडेड ऐप्स में एक लाइन होती है ऐप्स की, चार से पांच ऐप आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए रेकमेंडेड ऐप्स के नीचे ऑल ऐप्स लिखा हुआ है। ऑल ऐप्स के नीचे आपके मोबाइल फोन के सारे ऐप्स हैं, ठीक है। देखिए जो रेकमेंडेड ऐप्स में जो ये ऐप्स होते हैं, ये कौन से ऐप होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर की साइड में भी आपको ये क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा है, नीचे भी क्रोम का आइकन है, ऊपर भी एल्बम का आइकन है, नीचे भी है, कैलकुलेटर का आइकन ऊपर भी है और नीचे भी है। दोस्तों रेकमेंडेड ऐप्स में ये वो ऐप्स होते हैं जो आपने लास्ट टाइम यूज करे होंगे, पिछली बार जो यूज करे होंगे, ये वो ऐप्स होते हैं। आपको रेकमेंडेड करता है ये यहां पर इस कैटेगरी में ये ऐप्स रेकमेंडेड करता है कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐप आपको दोबारा से यूज करना है तो आपको ज्यादा नीचे आपको किसी भी ऐप को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर की साइड में ये ऑप्शन यानी कि ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐप सजेशन बार सेटिंग करने के बाद, इनेबल करने के बाद ऐप सजेशन बार इस तरीके से सेटिंग काम करती है आपके फोन में, ठीक है ना।